जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कैलकुलेशन ट्रिक्स, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो उसमें आप कैसे उस कैलकुलेशन को बेहतर कर सकते हैं, कैसे उस कैलकुलेशन को कम समय में फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास परीक्षा में समय कम रहता है और वहाँ पर आपको तेज़ कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण कैलकुलेशन ट्रिक्स लेकर आए हैं, जिनके मदद से आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ ट्रिक्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिवाइड करने का ट्रिक क्या होगा, यानी भाग करने का क्या ट्रिक होता है, कैसे हम कम समय में जल्दी से उसको बना पाएंगे, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई का ट्रिक है, स्क्वायर का ट्रिक है, और हमारा यहाँ पर बहुत सारे ट्रिक्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, ये आपके कैलकुलेशन को बूस्ट करेगा ये वीडियो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर डिवीजन ट्रिक, डिवाइड करने का ट्रिक। जैसे थोड़ी देर के लिए हम कह रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास कैलकुलेशन में कुछ ऐसा आ गया है ना, जैसे मान लीजिए 3249 और इसको अपन को डिवाइड करना है 300 के साथ। ठीक है, इसको अपन को डिवाइड करना है 300 के साथ। तो अब आप लोग क्या करते हैं कि इसको डायरेक्टली 300 से डिवाइड करना चालू कर देते हैं, जो कि गलत है। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए कि भाई, ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों ही रहने वाला है ना, लेकिन जो नीचे वाला है इसको अपन लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 × 100। अब आप एक काम करिए, यहाँ से डायरेक्टली इस ऊपर वाले को 3 से डिवाइड कर दीजिए। और जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3, फिर 2 आया, 0 हो गया, फिर 24 हो गया, 3 × 8 = 24, और फिर यहाँ पर 9 उतर आया, तो 3 × 9 हो जाएगा, है ना, तो 3 × 9। ठीक है, अब बटे में क्या है, अभी भी हमारे पास 100 बचा हुआ है। अब आप 100 से डिवाइड करने का ट्रिक जानते होंगे, क्या है, देखिए जितने इधर 0 उतना इधर से अंक छोड़कर आपको पॉइंट लगा देना है, यानी दशमलव लगा देना है। तो जितने इसमें 0 है, कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो 2 अंक छोड़ के, पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10.83 हो जाएगा। देखिए अब इसको और फास्ट करने के लिए आप क्या करिए, सीधे सीधे यहीं पर आप बता सकते हैं, देखिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 10.83। ठीक है, फिर 2 0 है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, तो देखिए कितना आसान है, और इसी को आप समय लगा देते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स आप सीख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो इसका आप डायरेक्टली कैसे करेंगे, अब चाहे देखिए यहाँ पर चाहे कितना भी 0 आ जाए, उस 0 के हिसाब से यहाँ पर आप पॉइंट लगा सकते हैं। जितना डिनोमिनेटर में 0 होगा, उतने ही लास्ट से पॉइंट छोड़कर आप दशमलव लगा सकते हैं, उतने अंक छोड़कर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर आपसे अगर बोल दिया, देखिएगा समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, आपसे बोला 43 मान लीजिए कि यहाँ पर 9.681, ठीक है, ये दिया है। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करना है अपने को, मान लीजिए 1000 से, ठीक है, 1000 से डिवाइड करना है। तो इसको आप डायरेक्टली कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड खिसकता है, है ना। डिवाइड करने पर संख्या जो है और छोटा होता है ना, इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है और इधर खिसकेगा, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हमारा राइट साइड खिसकता है। ध्यान रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी इंटीजर से यानी पूर्णांक से, तो दशमलव हमारा राइट साइड जाता है, लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो हमारा पॉइंट जो है, दशमलव जो है, वो लेफ्ट साइड खिसकता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे कितना है, 3 0 है, ठीक है, 3 0 है। तो जब 3 0 है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पॉइंट है वो 3 अंक इधर खिसकेगा, यानी लेफ्ट साइड में। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 3 अंक खिसका दीजिए, यानी 4 के बगल में हमारा पॉइंट लग जाएगा, 439681, और यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इतना आ जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं। अब ऐसे ही अगर आपको बोले हम मल्टीप्लाई करने का ट्रिक, देखिए जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया
3.0463 है ना। अब इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है, इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसमें देखिए कितने अंक हैं, कितने जीरो हैं, तो आप कहेंगे कि दो जीरो हैं। दो जीरो का अर्थ हुआ, हमने बताया कि जब किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या बड़ी हो जाती है, यानी जो दशमलव है वो हमारा राइट साइड जाता है। तो कितने अंक राइट साइड जाएगा, यानी ये दशमलव जो है, ये दशमलव ये राइट साइड जाएगा, ठीक है। तो दो जीरो है, इसका मतलब ये दो अंक इधर खिसकेगा, तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 304। अब पॉइंट यहाँ जाके लग जाएगा, क्योंकि एक दो दो अंक खिसकेगा तो पॉइंट यहाँ जाएगा और ये 63 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 304.63 हो जाएगा। वहीं पर आपसे अगर 1000 से मल्टीप्लाई करना होता तो आप इसको तीन जीरो आगे खिसका देते, है ना, तीन अंक आगे खिसका देते। 10,000 से होता तो चार अंक आगे खिसका देते। तो इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक्स सीख कर आप अपने कैलकुलेशन को बूस्ट कर सकते हैं, है ना। और इनके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। जब भी आप क्वेश्चन करिए उसको बेसिक मेथड से सॉल्व करने की ट्राई मत करिए, आप देखिए कैलकुलेशन ट्रिक क्या, हम कैसे उसको काट सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कम समय में, वो सारी चीज़ें पकड़िए, तब आपका कैलकुलेशन अच्छा हो पाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, डिवीजन का जो ट्रिक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि स्क्वायर करने का क्या ट्रिक है। अगर आपके पास दो अंकों की कोई संख्या दी गई है ना, जैसे मान लीजिए कि 73 है और इसका स्क्वायर करना पड़ गया, तो आप कैसे इसको सिर्फ एक लाइन में बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो यही ट्रिक हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ट्रिक सीखते हैं। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहेंगे, ठीक है। ऐसी दो अंकों की संख्याएं जिनके अंतिम में 5 आता हो, जैसे मान लीजिए कि 25 है, है ना, 25 है, इसका स्क्वायर करना हो। जैसे मान लीजिए कि हमारा 45 है, इसका स्क्वायर करना हो गया, है ना, 75 है, इसका स्क्वायर करना हो गया, या फिर 85 हो, इसका स्क्वायर करना हो गया। तो आप कैसे इनको सिर्फ एक लाइन में इनका उत्तर बता पाएंगे। अब यहाँ पर पहले तो हम जिनके अंतिम में 5 है, जिनका इकाई अंक 5 है, उनका स्क्वायर करने के बता रहे हैं, फिर जनरल बताएंगे कि सभी का स्क्वायर करने के लिए, यानी कि दो अंक की कोई भी संख्या हो उसका आप स्क्वायर कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, मतलब एक लाइन में आप बता सकते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग देखेंगे, उस ट्रिक को भी। अब यहाँ पर समझिएगा, बड़े गौर से समझिएगा, ठीक ना। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो लास्ट में 5 दिख रहा है, आप पहले तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 25, ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये दहाई वाले अंक को देखिए, है ना, दहाई वाले अंक में जो कुछ भी है उसका मल्टीप्लाई उससे आगे वाले संख्या में कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इसके आगे वाले संख्या में, है ना। तो इसके आगे वाला संख्या क्या है, 3 है, जस्ट इसके आगे वाला, तो 2 के आगे क्या है, 3 है, है ना। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर जो होगा वो 625 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना काम आपको करना है। प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर इसको भी देख लीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे यानी इकाई अंक का स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इस 4 को लीजिए और इसके अगले वाले संख्या को पकड़िए, तो 4 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 45 का स्क्वायर 20 × 25 आ गया, यानी 2025 आ गया। इसी तो प्रकार इसका भी देखिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, है ना, फिर 7 है और इसके अगले वाला संख्या 8, 7 × 8 = 56 हो जाएगा, ये हो गया 5625। इसी तरीके से इसका भी देख लीजिए, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, है ना, और 8 के आगे क्या होगा, 9 होगा ना, तो 8 नहीं हो कितना हो जाएगा, 72, यानी 7225 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कि हमारे पास 102 है, है ना, 105 है, 105 5 वाला देख रहे हैं ना भाई, 105 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 10 है ना, तो 10 से अगले वाले संख्या, अगला वाला हमारा क्या है, 11 है, तो 10 और 11 का गुणा कर दीजिए, तो 11 × 110 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 11025, 105 का स्क्वायर 11025 हो जाएगा।
चलिए उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे किया जाएगा सिर्फ एक लाइन के अंदर। धमाकेदार ट्रिक था, ट्रिक अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब हम लोग जनरली देखते हैं कि अगर कोई भी दो अंक की संख्या है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे एकदम ट्रिक से, है ना, इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास पहली संख्या है 37, 37 का स्क्वायर करना है आपको, एक लाइन में कैसे किया जाएगा समझिएगा। सबसे पहले क्या करिए, यूनिट डिजिट का यानी इकाई अंक का आप कर दीजिए स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 का आप 9 ले लीजिए, हासिल अपने पास रखिए, ठीक है, हासिल क्या आएगा 4 आएगा, है ना भाई, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 हो गया, हासिल आ गया 4। अब दूसरा बात क्या करिए यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर आपको संख्याएं दिख रही है उनका तीनों का मल्टीप्लाई करिए, है ना, ट्रिक है याद रखिएगा, ये हर किसी में अप्लाई नहीं होगा, है ना, क्यूब में अप्लाई नहीं होगा, क्यूब के लिए अलग ट्रिक है, ये क्या है स्क्वायर का ट्रिक है, ठीक है। तो देखिए तीनों संख्याएं क्या, कौन कौन से दिख रही हैं, 3, 7 और 2, इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए, तो 3 7 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 42, है ना, गुणा करेंगे तो 3 7 21, 21 2 9 42, इस 42 में आपको इस हासिल को जोड़ना है, तो 42 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 46 हो जाएगा, 46 का आप रखिए 6, हासिल फिर 4 आ गया। अब तीसरा बात क्या करना है यहाँ पर, तीसरा काम आपको दहाई का स्क्वायर करना है, दहाई क्या है हमारे पास 10 है, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और उस 9 में आप हासिल को जोड़ दीजिए, हासिल जोड़ते जाइएगा, हासिल को छोड़िएगा मत, है ना, अगर हासिल नहीं है तब उसको मत पकड़िए, ठीक है। तो 3 2 9, 3 का स्क्वायर 9 और हासिल 4, है ना, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 37 का स्क्वायर 1369 आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक मज़ेदार लगा कि नहीं, अब इसको देखिए, सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, हमारे पास हासिल कुछ नहीं बचा तो हासिल हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर हमने दूसरा बात क्या बताया कि दूसरा स्टेप है तीनों का गुणा करिए, तीनों जो संख्याएं दिख रही हैं यहाँ पर 4 2 8, 8 2 16, है ना, हासिल तो कुछ नहीं है, तो 16 का कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया, हासिल अब एक ही बार 1 बचा। फिर इस इधर वाले का स्क्वायर करिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 में 1 जोड़िए हासिल, तो कितना होगा ये 17 हो जाएगा, यानी 42 का स्क्वायर आएगा 1764, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब आपको पकड़ में आ गया होगा ट्रिक कि कैसे स्क्वायर करना है। इसका देखिए 86 का स्क्वायर है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करिए, 6 6 के 36 हो जाएगा, 36 का 6, हासिल आया 3 हमारे पास। फिर तीनों को गुणा करिए, तीनों 8 6 के, है ना, 8 6 के कितना हो जाएगा 48, 48 2 9 कितना हो जाएगा 96, है ना, तो 8 6 के 48, 48 2 9 96, 96 में हम इस 3 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 99, है ना, 99, तो 99 का हुआ 9, फिर हमारे पास हासिल 9 आ गया। अब इधर वाले के स्क्वायर करिए, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64, है ना, 64, उस 64 में आपको 9 जोड़ना है, तो 64 और 10 74, 74 में से 1 गया तो 73 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7396। आप चाहें तो कैलकुलेटर लेके यहाँ पर इनका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है, एकदम ऐसे ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रिक आपको पता चल गया होगा कि कैसे स्क्वायर करना है, कोई भी दो अंक की संख्या है उसका स्क्वायर आप कैसे करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक नया ट्रिक हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा, अगला ट्रिक है हमारा 11 से मल्टीप्लाई करने का, 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या ट्रिक होगा, है ना, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। देखिए आपके पास अगर कोई लंबा चौड़ा संख्या दे दिया, आप उसको 11 से मल्टीप्लाई कैसे चुटकियों में कर सकते हैं सिर्फ एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में, ठीक है, देखते ही देखते कैसे 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 3 4 2 6 9 1 8, है ना, इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है 11 से, है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। देखिए कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करिए कि इस यूनिट डिजिट को जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके यूनिट डिजिट को आप यहाँ पर उठाकर रख लीजिए, ठीक है, 8 को उठाकर हमने रख लिया। फिर आप जोड़ते जाइए,
है ना, इस 8 को इसके पिछले वाले टर्म में जोड़िए, तो 8 एक कितना हो जाएगा 9, ये 9 हो गया। फिर इसको इसके साथ जोड़िए, 9 एक 10 हो गया, 10 का 0 हो गया, लेकिन हासिल आपको रखते जाना है, ठीक है, हासिल को मत छोड़िएगा। फिर इसको इसके साथ जोड़िए, तो 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 एक 16, 16 का 6, फिर हासिल एक। फिर इसको इसमें जोड़िए, तो 6 2 8 और एक हासिल 9 हो गया। फिर इसको इसमें जोड़िए, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसको इसमें जोड़िए, तो ये हो जाएगा 3 और 4 7, और फिर इस लास्ट वाले को भी लिखना है, ठीक है, तो लास्ट वाला हमारा 3 हो जाएगा। और लास्ट वाला को तभी लिखेंगे एज इट इज जब हमारा हासिल कुछ भी नहीं बचेगा, और अगर हासिल बचता है इसको इसको जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ हासिल बचता है, तो लास्ट वाले टर्म में यानी इस वाले टर्म में उस हासिल को जोड़ देंगे हम, फिर लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पास यहाँ पर, अच्छा तो इसका उत्तर ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। अच्छा मान लीजिए जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 9 7 3 2, इसको गुणा करना है अपने को 11 से, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया कि इसके यूनिट डिजिट को आप रख लीजिए, तो क्या है 2 है, 2 को हमने रख लिया, ठीक है। फिर इसको जोड़ते जाइए, 2 और 3 5, है ना, हासिल कुछ नहीं बचा। 3 और 7 10, 10 का 0, हासिल 1 आया। फिर 7 और 9 9 7 16 हो जाएगा, 16 1 17, 17 7 हासिल 1। 9 4 13 13 का 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14, 14 के 4, फिर हासिल 1, है ना, हासिल 1 आएगा। फिर इस 4 के साथ इस हासिल को भी जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी इसका उत्तर ये आ जाएगा, मतलब इस संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला ट्रिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 ट्रिक सीखे। पहला ट्रिक क्या था हमारा, डिवाइड करने का ट्रिक और मल्टीप्लाई करने का ट्रिक, यानी जैसे मान लीजिए जिसके अंतिम में 0 0 है, 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, 4 0 है, उससे अगर किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई करना है, तो आप उसको कम समय में कैसे अप्लाई करके ट्रिक और बना सकते हैं, वो चीज़ हमने सीखा पहले ट्रिक में। दूसरा ट्रिक हमारा था क्या था, स्क्वायर करने का ट्रिक। स्क्वायर में हमने देखा कि अगर जिसके अंक अंत में 5 है उसका स्क्वायर कैसे किया जाएगा, और एक जनरल तरीके से 2 अंकों की कोई भी संख्या हो उसका आप स्क्वायर कैसे कर सकते हैं ट्रिक लगाकर। तीसरा हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन बाय 11 यानी 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या ट्रिक होना चाहिए। ये इस वीडियो के अंदर 3 चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर सीखा है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे ट्रिक्स आप लोग सीख गए होंगे और आपने कैलकुलेशन में इनको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको फायदा होगा, आप कम समय में कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इन ट्रिक्स का उपयोग करके, क्योंकि ये ट्रिक्स जो है ना बहुत जगह आ जाते हैं और आप उनमें हड़बड़ आ जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इन ट्रिक्स को लगाइए और बड़े से बड़े संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, आप आसानी से कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।